तीर्थ यात्रा करने वालों के लिए रेल मंत्रालय एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। देश की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही दिल्ली कटरा के बीच चलने वाली है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद यादव ने मंगलवार को बताया कि इसकी शुरुआत त्योहार सीजन से पहले ही हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वैष्णो देवी मंदिर की तीर्थ यात्रा के कारण इस रूट पर काफी भीड़ रहती है और यही कारण है कि हमने इस रूट को वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए चुना है। वंदे भारत एक्सप्रेस की वजह से दिल्ली से कटरा की यात्रा अब 8 घंटे में पूरी हो सकेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वैष्णो देवी मंदिर की तीर्थ यात्रा के कारण दिल्ली कटरा मार्ग सबसे व्यस्त रेल मार्गों में माना जाता है। यही वजह है कि रेलवे बोर्ड ने दूसरे वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए दिल्ली कटरा मार्ग को ही चुना। अगर इस नई वंदे भारत एक्सप्रेस की खासियत की बात करें तो हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस की वजह से दिल्ली कटरा मार्ग पर यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी। पहले इस रेल मार्ग पर ट्रेन से दिल्ली से कटरा पहुंचने में करीब 12 घंटे लगते थे, लेकिन अब वंदे भारत एक्सप्रेस से श्रद्धालु मात्र 8 घंटे में ही कटरा पहुँच जाएंगे। इस रूट पर वैष्णो देवी मंदिर अंतिम स्टेशन होगा। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 फरवरी को स्वदेशी ट्रेन 18 को हरी झंडी दिखाई थी, जिसका नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया था। इसका संचालन नई दिल्ली से प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी तक किया जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे तेज गति है। जल्द ही आने वाली वंदे भारत वैष्णो देवी का सफर आसान करने में काफी सहायक सिद्ध होगी। रेल मंत्रालय की यह एक्सप्रेस समय की बचत के साथ साथ तकनीकी वृद्धि और भारतीय रेल के विकास का भी जीता जागता उदाहरण है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।